हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम राइड ब्लॉग। सो दोस्तों, मैं आज आ गया हूँ आपके साथ एक और नया ब्लॉग लेके। तो भाई कैसे हो आप सब लोग? सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई बात करनी है, आज मैं अपनी बाइक को चला चुका हूँ पूरा 2000 किलोमीटर। तो आज इसका मैं रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसको अच्छे से 2000 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि भाई क्या इसके एडवांटेज मिलते हैं, क्या हमें इसके डिसएडवांटेज मिलते हैं। तो भाई बने रहिए वीडियो में, और भाई जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। और भाई चलो वीडियो को करते हैं अब शुरू। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं हम R15 की अच्छाइयों के बारे में, एडवांटेज के बारे में, कि क्या क्या इसमें हमें एडवांटेज देखने को मिलते हैं। तो भाई सबसे पहले अगर अच्छाई एडवांटेज की मैं बात करूं, तो पहला एडवांटेज मुझे मिलता है कि यामा R15 की स्पीड के बारे में। भाई ये बेस्ट इन द सेगमेंट है। इसका इंजन इतनी पावर प्रोड्यूस करता है कि 150 की स्पीड बड़े आराम से पकड़ लेती है, जो कि डोमिनार 400 ड्यूक 250 के आसपास ही की स्पीड ले लेती है। सेकंड अगर मैं एडवांटेज की भाई बात करूं, तो जहां हमें मिलता है ड्यूअल चैनल ABS और स्लीपर क्लच मिलता है। कंपनी ने सेफ्टी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है इसमें। और जो ड्यूअल चैनल ABS है वो बहुत अच्छा प्रिसाइजली वर्क करता है। और बात करें अगर स्लीपर क्लच की, तो भाई स्लीपर क्लच इसमें ऐसा है कि अगर आप सेकेंड गियर से फर्स्ट में भी शिफ्ट कर देते हैं, टायर स्किड देखने को नहीं मिलेगा, टायर स्किड आपका नहीं होगा। तीसरे एडवांटेज की मैं अगर आपसे बात करूं, तो भाई वो मिलता है हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि ऑल फुल्ली डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसमें आपको फीचर्स कस्टमाइज भी हो जाते हैं, जैसे कि LCD ब्राइटनेस है, आपकी जो इंडिकेटिंग लाइट है उसकी ब्राइटनेस है, या फिर आपका नाम कस्टमाइज करना है। और भाई LCD पैनल के अंदर आपको VVA इंडिकेटर, एवरेज माइलेज इंडिकेटर और माइलेज इंडिकेटर ये सब देखने को मिल जाते हैं, जो कि भाई एक बहुत अच्छी बात है। और एक सबसे बढ़िया इसमें एड ऑन फीचर जो है वो है आपका साइड स्टैंड एक्टिवेटेड इंजन कट ऑफ, जो कि भाई एक एड ऑन फीचर है और मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। और भाई मैं अगर आपसे नेक्स्ट एडवांटेज की बात करूं, तो वो आती है यामा का रिलायबिलिटी। तो भाई अगर ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी को अलग हटाए, तो यामा एक बहुत ही अच्छा इंजन बनाती है, जो वर्ल्ड क्लास में इसकी पॉपुलैरिटी इसके इंजन की वजह से ही है। तो जो बहुत अच्छी चीज़ है, जो भाई बहुत अच्छी पावर प्रोड्यूस भी करता है ये। अगर इंजन की बात की जाए, तो भाई 155 CC इसमें इंजन है, जो 18.1 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है और 14.1 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। नेक्स्ट एडवांटेज की भाई बात करूं, तो वो है कम डिस्प्लेसमेंट है इसका। तो कम डिस्प्लेसमेंट एक एडवांस फीचर तो नहीं मान सकते कि एडवांटेज है कुछ, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि भाई जहाँ फ्यूल कंज्यूम होता है जिस जगह से, वो जगह छोटी है जिसकी वजह से फ्यूल होता है कम कंज्यूम। और भाई इसकी वजह से 40 to 45 का एवरेज आपको देती है, लेकिन पावर भी उससे ज़बरदस्त प्रोड्यूस करती है, तो जो उसमें एक अच्छा फीचर है। और भाई पर्सनली एक अगर नेक्स्ट एडवांटेज की बात मैं आपसे यदि करूँ, तो वो आती है आपकी इंडियन मार्केट के अंदर इतनी स्पोर्टी और शार्प लुक के साथ आने वाली इस सेगमेंट की बाइक इतने प्राइस में तो खैर नहीं कहीं भी आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल जो इसके एडवांटेज थे वो बस ज़्यादातर मैंने अभी तक इतने ही देखे हैं, क्योंकि भाई पर्सनली मैं बताऊं, बाइक को अगर आपको खींचने की बात है, 150 प्लस की भी स्पीड बड़े आराम से बाइक पकड़ लेती है, और ओवरऑल इसकी हर चीज़ बहुत अच्छी मेरे को लगी। तो भाई जिसलिए मैंने इसको रिकमेंड किया, मैंने इसको ख़रीदा। और अब बात कर लेते हैं आप लोगों से इसके डिसएडवांटेज के बारे में, कि क्या इसके कौन से हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला और भाई जो मुझे देखने को लगा मैं डिसअपॉइंट हुआ उस चीज़ को देख के, वो होता है आपका बारिश के सीज़न में, रेनी सीजन में इस बाइक को चलाना। ये बाइक रेनी सीजन में चलाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। उसका रीज़न है भाई, क्योंकि बैक जो आपका टायर है, तो भाई उस पिछले टायर के ऊपर आपको R15 जो V2 वर्जन था उसमें मड स्प्लैश गार्ड लगा हुआ था, जो टायर के ऊपर होता है, लेकिन वो इसके अंदर है नहीं।
तो भाई जब मैंने इसको बारिश में चलाया तो मैं तो सच बताऊं मेरे तो सारे कपड़े गंदे हुए ही थे, लेकिन जो बंदा मेरे पीछे बैठा था भाई उसके भी सारे कपड़े बिल्कुल गंदे हो गए, क्योंकि ये रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा कीचड़ उछालती है। और मैं आपको दिखा भी दूंगा, अभी थोड़ा सा मैं आगे आपको चल के दिखाता हूँ कि बारिश में भाई बाइक की क्या हालत हो जाती है। और भाई जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कितनी कीचड़ इसमें लगी हुई है। अभी मैं कपड़ा मार के लाया हूँ बाइक को बिल्कुल साफ़ करके, लेकिन मैंने नीचे से नहीं करा क्योंकि आज इसको धुलवाने जाऊँगा मैं, इसकी केयरिंग में कमी नहीं करता हूँ। लेकिन भाई ये चीज़ जो देख रहे हो ना, मिट्टी ये सारी, और ये देखो भाई इसके नीचे भी कितनी मिट्टी लगी हुई है। एक वो डिसअपॉइंट लगा वो चीज़ उसकी। दूसरी चीज़ आती है भाई इसकी वायर्डनेस, तो वायर्डनेस की वजह से भाई ये नैरो जगह से जल्दी से निकल नहीं पाती, लेकिन ऐसा है नहीं। बोलते हैं लोग भाई वाइडनेस ज़्यादा है, लेकिन अगर थोड़ी भी जगह दिख जाती है तो भाई वहाँ से निकलने में इजीली निकल जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा तो है भाई वाइडनेस के चक्कर में बचा के निकालनी पड़ती है कि जो साइड पैनल है इसके वो कहीं लग के स्क्रैचेस ना हो जाए, उसमें स्क्रैच ना लग जाए। तो भाई वो इसकी सेकेंड डिसअपॉइंट मुझे लगा, जो पर्सनली मुझे भी बुरी लगी वो चीज़ कि भाई नहीं इसकी वाइडनेस ऐसी है तो अगर मान लो स्क्रैच लग जाएगी तो महंगी बाइक है, फिर पैनल महंगा उसका वो होगा, चेंज रिप्लेस जो होगा वो महंगा होगा। तीसरी चीज़ है भाई इसका कंफर्ट, तो भाई कंफर्ट जोन की मैं आपसे बता दूं, कंफर्ट जोन इसका जो राइडिंग पोस्चर है ना भाई वो बहुत 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 एग्रेसिव है। तो इसमें क्या है कि भाई आप 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर इसको मैक्सिमम धकेल सकते हो, चला सकते हो, इसके अलावा आप इसको नहीं चला सकते बिल्कुल भी इससे ज़्यादा। क्योंकि भाई मेरे को लगता नहीं, और मैं अभी इस चीज़ को मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत जल्द मैं एक लंबी राइड पर जाने वाला हूँ तो भाई उस चीज़ का भी मैं रिव्यू करूँगा कि भाई एक साथ मैं कितने किलोमीटर वाली बाइक मैंने चलाई है और कितना मैं इसको चला सकता हूँ। और भाई शुरुआत में जब मैंने बाइक ली थी तो आप देख रहे होंगे मेरे जो हथेलियाँ हैं ना ये वाली, भाई ये बहुत दर्द करती थी, अभी भी थोड़ा थोड़ा करती है, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ी हैबिट पड़ गई है मेरे को इसकी, क्योंकि भाई 1 जुलाई से और अब तक ये 2000 किलोमीटर चली है, लगभग 2 महीने हो चुके हैं जुलाई से, अगस्त और सितंबर, तो सितंबर ख़त्म ही होने वाला है, 2 महीने इसको लिए हुए हो चुके हैं, 2000 किलोमीटर चल चुकी है भाई, तो वो चीज़ मेरे को लगी भाई। लेकिन हाँ ऐसा है कि मान लो अपने पीछे कोई अगर लेडी बैठ जाती है तो भाई लेडी का पोस्चर जो है वो अपने ऊपर डाउन होगा, और डाउन पोस्चर होने की वजह से क्या होगा कि आप बिल्कुल सीट से लग के बिल्कुल इन टंकी से जो इसका टैंक है उससे लग के बैठेंगे। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इसकी सीट हाइट इसमें 815 mm की है, जिसकी वजह से शॉर्ट राइडर्स के लिए ये बहुत अनकंफर्टेबल है और शॉर्ट राइडर्स इसे इजीली बैलेंस नहीं कर पाते। मैं अगर आपसे बताऊं कि हाइट की मैं बात करूं कौन बंदा इसको चला सकता है, तो 5.45 से नीचे वाले बंदे इसको भाई इजीली नहीं चला सकते, क्योंकि उनके पैर नहीं टिक पाएंगे, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, जिसकी वजह से भाई 5.4 इंच तक के नीचे वाले बंदे इसको ड्राइव ढंग से नहीं कर सकते। हालांकि करने को कर सकते हैं, लेकिन वही है डिसएडवांटेज की गिनती में तो मेरे को लगा कि भाई नहीं इसकी ऊंचाई वाकई में ज़्यादा है, क्योंकि मैं इससे पहले जो बाइक चलाता था वो होंडा की SP125cc थी, लेकिन वो बाइक और इस बाइक में भाई मुझे फ़र्क लगा, क्योंकि जब मैं उस बाइक पर चलता था तो मेरे पैर पूरे टिक जाते थे, 5.6 मेरी हाइट है, लेकिन अभी क्या है मेरा पैर बस ऐसे टिक पाता है। बाकी ओवरऑल हर चीज़ इसकी अच्छी है, जो यामा की रिलायबिलिटी है भाई वो रिलायबिलिटी की वजह से अपने प्रोडक्ट बेच पा रही है, और R15 एक ऐसी बाइक है जो ऐसी एग्रेसिव और स्पोर्टी लुक के साथ आती है भाई के सब, बिकती भी अच्छी है, लोग पसंद भी करते हैं, बहुत लोगों की है, ड्रीम बाइक भी है। तो भाई मेरी भी ड्रीम बाइक थी, हालांकि मैं लेने के लिए मैं KTM ले सकता था, लेकिन भाई KTM मैंने नहीं ली, क्योंकि मैंने R15 के बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे, तो भाई रिव्यूज़ में जो मैंने देखा था कि इसका एवरेज भी अच्छा है, तो जिस वजह से मैंने इसको प्रेफर करा कि नहीं KTM लेने से अच्छा कि मैं इसको लूँ, क्योंकि भाई KTM मान सकते हैं कि KTM अच्छी बाइक है, लेकिन भाई इसके सामने मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैं KTM के शोरूम भी गया था तो, और भाई सबसे बड़ी बात थी कि मेरा व्लॉग वगैरह बनाने का ऐसा कोई मन नहीं था कि मैं कभी व्लॉगिंग करूँगा या मैं मोटो व्लॉग बनाऊँगा, लेकिन बाइक ली तो भाई अचानक ही मन में आ गया कि नहीं चलो जब बाइक लिए तो मोटो व्लॉग भी शुरू कर दें। तो बाइक तो अच्छी है, बाकी थोड़े से भाई देखो कोई भी बाइक ले लो आप, उसमें कहीं भी एडवांटेज भी अगर मिलते हैं तो भाई थोड़े डिसएडवांटेज भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको भाई हम करा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं करा सकते। आगे उसमें अगले व्लॉग में मैं लेके आने वाला हूँ उसका माइलेज और अपने मोटो व्लॉगिंग का सेटअप, के मैंने जो मोटो व्लॉग सेटअप किया हुआ है उसका कॉस्टिंग क्या है और इसका एवरेज क्या है, क्योंकि भाई अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखूँ तो वो एवरेज जो शो करती है वो 46 का है,
8.7 का एवरेज शो करती है, लेकिन मेरे को लगता है शायद उससे कहीं ज़्यादा एवरेज दे रही है। तो भाई एक बार मैनुअली भी मेरे को चेक करना पड़ेगा कि कितना एवरेज दे दिया है। आप भाई इस वीडियो का हम आज टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स एंड 50 कमेंट्स। तो भाई अपना खूब सारा प्यार इस वीडियो को देना, क्योंकि भाई प्यार मिलता है तो मोटिवेशन भी मिलता है। तो भाई इसी के साथ भाई मैं करूँगा व्लॉग का एंड, क्योंकि यही कुछ एडवांटेज थे जो मुझे पता थे, कुछ डिसएडवांटेज थे जो मुझे पता थे। तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।